तो तेजस्वी यादव इन दोनों से यात्रा पर है और जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने कहा है कि तेजस्वी यादव क्या जनता को संदेश देंगे। आज जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सड़क एनडीए सरकार की देन है। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान को लेकर नीतीश कुमार को दो बार हम लोगों ने जिंदा कर दिया, जिसको लेकर नितिन नवीन ने कहा है कि तेजस्वी यादव अनगढ़ बयान करते हैं और नीतीश कुमार आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे और आगे भी जिंदा रहेंगे। शिंदे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मजाक के तहत में या इरादे के तहत कहा कि लाल चौक श्रीनगर में जाने में उनको डर लगता था, एक तरह से घबराते थे। देखिए, जिन लोगों ने जिनके शासनकाल में वहां पाकिस्तान के झंडे फहरते थे उनको तो डर लगना वाजिब है ना। जैसी करनी करिएगा वैसा भरिएगा। आज भारत का झंडा लाल चौक पर लहराता है और भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर की वादियों में जाकर आसानी से घूमते भी हैं, वहाँ विकास की योजनाओं की भी चिंता करते हैं और अब तो सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा खिलाड़ी अब वहाँ पर जाके क्रिकेट खेलता है। ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 370 के समाप्ति के बाद का कश्मीर। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं सर कि उन्हें यात्रा जो है निकालनी पड़ी थी हिंदुस्तान में, इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो ठीक। लोगों को पहले तो ये बताना चाहिए कि बिहार की सड़कें कैसी हैं। जिन सड़कों को नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बनाया उनके शासनकाल में तो गड्ढे वाली सड़कें होती थी। आज आप अस्पताल जाके देखिए, अस्पताल में जिस प्रकार से उनके समय में जानवर चला करते थे, आज हमारे समय में वहाँ पर मरीज दवा लेते हुए पाए जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को तो पहले बिहार के इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वो अपने कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं, अरे आपको आज एक दिन लगा है, चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और जनता दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो विदेश भ्रमण पर रहते थे। जनता के मुद्दे और कार्यकर्ताओं के मुद्दे को आपको नहीं ध्यान रहता था, अब चुनाव आया है तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं। कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमसे मिलने आए थे और अब उनको हम लोग नहीं।